माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। NHM संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य सपोर्ट कर्मचारी दो सालों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। शनिवार को संविदा कर्मचारी जल सत्याग्रह करने के लिए भोपाल के शीतलदास की बगिया घाट पर पहुंचे। यहां मौजूद पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को घाट में नहीं उतरने दिया, जिसके बाद कर्मचारी नीलम पार्क में धरने पर बैठ गए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में विगत कई वर्षों तक सेवाएं देने के बाद भी सरकार उन्हें नियमित नहीं कर रही। धरने पर बैठे कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें आउटसोर्स से हटाकर पुनः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मर्ज कर नियमित कर दिया जाए। संविदा आउटसोर्स कर्मचारी पिछले दो साल से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। इन कर्मचारियों का कहना है कि यदि सरकार हमारी मांगों पर गंभीर नहीं होती तो हम हाईकोर्ट में न्याय के लिए याचिका दायर करेंगे। दमूक नायक के लिए भोपाल से अंकित पचौरी की रिपोर्ट। देखिए, हम अपनी मांगों को लेकर सरकार से लगातार काफ़ी लंबे समय से गुहार लगा रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई है। इसलिए हम सभी कर्मचारियों द्वारा मजबूर होकर आज हमने निर्णय लिया था जल सत्याग्रह करने के लिए। जैसे ही जल सत्याग्रह के लिए वहाँ पहुँचे तो पुलिस प्रशासन द्वारा भी हमें वहाँ रोक दिया गया, पानी में नहीं उतरने दिया। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन द्वारा हमारे साथ दोहरी नीति की जा रही है। हमारी मांगों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है, हमारी मांगों को लगातार कुचलने का काम किया जा रहा है। क्योंकि पूर्व में भी हम सभी कर्मचारियों ने अलग अलग तरीके से सरकार तक बात पहुंचाने की लगातार कोशिश की गई है, लगातार प्रयास किया गया। पूर्व में हमने रक्षाबंधन के त्यौहार पर राखी एवं फूलमालाओं के माध्यम से CM साहब तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की गई थी। जब भी पुलिस प्रशासन द्वारा हमें रोक दिया गया, हमने CM आज तक तिरंगा पैदल यात्रा भी निकाली गई थी, सीओर से पैदल चल कर आए। जैसे ही CM हाउस के नज़दीक पहुंचे तो हमारे सभी कर्मचारियों को रोक दिया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया गया महिलाओं के साथ, और सभी महिलाओं को वज्रवाहन में भरकर काफ़ी लंबे दूर तक छोड़ दिया गया। और रात, पूरी रात में पाँच मांगे गए। हमारी दो प्रमुख मांग हैं। पहली मांग है कि जो NHM में, पूर्व में जो NHM में थे विगत कई वर्षों तक, उन सभी कर्मचारियों को हटाकर जो आउटसोर्स में किया गया है, उन सभी कर्मचारियों को विभाग में काफ़ी रिक्त पद पड़े हुए उन पदों पर नियमित किया जाए अथवा पुनः राष्ट्रीय स्वास्थ्य में मर्ज किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि कुछ हमारे जो आउटसोर्स के डाटा एंट्री ऑपरेटर, निष्कासित रोगी कल्याण समिति के कर्मचारी, उन सभी को भी NHM में मर्ज किया जाए। सर, आपने सभी चीज़ें आजमा लिए, सत्याग्रह कर लिए, आंदोलन कर लिए, कोर्ट में जाएंगे अपने अधिकार के लिए? निश्चित ही हम लगातार विभिन्न विभिन्न तरीके से मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम वही कर्मचारी हैं जो कोरोना काल में सरकार में जो हमने जान अपनी जान की बाजी लगाकर जनमानस की सेवा की गई थी। जब सभी कर्मचारी घरों में बैठे हुए थे तब हमने कोरोना काल में बढ़ चढ़ कर जनमानस की सेवा की। निश्चित ही सरकार द्वारा हम अपनी दूसरों की जान की जब बचा कोर्ट में जाएंगे क्या पूरे मामले लेकर? बिल्कुल, अगर सरकार द्वारा मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो सभी कर्मचारी सामूहिक रूप से हाईकोर्ट भी जाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार भी करेंगे।